नमस्कार दोस्तों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लाया हूँ भरतपुर का लोहागढ़, जिसको जो कि पारिक दुर्ग व भूमि दुर्ग दोनों का उदाहरण है। दोस्तों, भरतपुर का लोहा दुर्ग का निर्माण सबसे पहले 1708 में लुहिया गांव के जाट खेमकरण के द्वारा एक मिट्टी की गड्डी बनाई गई थी और उसके कुछ सालों बाद 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा भरतपुर के सौगढ़ नामक गांव के स्थान पर भरतपुर का दुर्ग बनाया गया था। दोस्तों, इसके चारों ओर एक खाई बनाई गई थी जिसके अंदर सुजान गंगा नहर के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती थी और जिसमें मगरमच्छ और अन्य जानवर छोड़े जाते थे जिससे कि उसको कोई भी पार नहीं कर पाए। सुजान गंगा नहर से पानी मोती झील के द्वारा आता था, जो मोती झील बाण गंगा नदी और रूपारेल नदी इन दोनों के संगम पर मोती झील बनाई गई थी। दोस्तों, मोती झील बनाई गई थी बाण गंगा नदी और रूपारेल नदी के संगम पर और जहाँ से होकर पानी की आपूर्ति सुजान गंगा नहर के माध्यम से भरतपुर दुर्ग के खाई में होती थी। खाई मतलब पारिक दुर्ग, जो खाई के चारों ओर, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। खाई के पीछे भी ख, आगे भी ख आता है और पारिक में भी ख होता है, तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि पारिक दुर्ग मतलब जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो। एक होता है पारिद्ध दुर्ग, जिसके अंतर्गत कटीली झाड़ियाँ और अन्य प्रकार की दुर्गम बाधाएँ होती है, उसे पारिद्ध दुर्ग कहते हैं। दोस्तों, ये आप अष्ट धातु का किवाड़ देख रहे हो जो कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के जस्ट कॉर्नर पर शुरुआत में है, जो कि जवाहर सिंह के द्वारा 1765 ईस्वी में दिल्ली को जीत कर लाए गए थे। दोस्तों, दिल्ली में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रतन सिंह मेवाड़ से ये अष्ट धातु के किवाड़ को लेकर आया था और दिल्ली से जवाहर सिंह के द्वारा ये भरतपुर राज्य में लाए गए थे और उन्हें मेन गेट के ऊपर स्थापित कर दिया गया था। दोस्तों, इस किले को मुगल व अंग्रेज दोनों नहीं जीत पाएंगे। लॉर्ड लेक ने, जब होलकर जसवंत राव होलकर ने भरतपुर के जाट राजा रंजीत सिंह के यहाँ शरण ली थी, तब लॉर्ड लेक ने कहा था कि आप जो होलकर नरेश जसवंत राव को मुक्त कर दो, मैं भरतपुर पर आक्रमण नहीं करूँगा। किंतु दोस्तों, ये जाट राजा रंजीत सिंह था जिनके स्वभाव में ही इस प्रकार की धमकी सुनने की आदत नहीं थी, तो उन्होंने लॉर्ड लेक की इस धमकी की कोई परवाह नहीं की थी। तब लॉर्ड लेक ने 1803 में भरतपुर के दुर्ग पर आक्रमण किया था, परंतु इस दुर्ग के चारों ओर एक मिट्टी की दीवार है जिसके कारण 15 बार आक्रमण करने के बाद भी उनके तोप के गोले उस मिट्टी की दीवार में धस जाते थे और वे फटते नहीं थे। उन्होंने इस दुर्ग के चारों ओर खाई थी जिसके अंतर्गत पानी भरा रहता था और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ होते थे जिससे कोई भी व्यक्ति उस नहर इस खाई को पार करके दुर्ग में नहीं जा सकता था। दोस्तों, सूरजमल का जन्म 1707 ईस्वी में हुआ था। इनके बारे में इन्होंने महाराजा सूरजमल ने जयपुर के राजा ईश्वर सिंह की मदद की थी और उन्हें जयपुर की राजगद्दी पर पद स्थापित किया था। इनके बारे में जब इनके छोटी कदकाठी और जवानी के समय जब ये छोटे बालक की तरह दिखाई देते थे, तब इनके बारे में कहा गया था, क्या आप हमारी सहायता कर पाओगे? तब राजा सूरजमल ने कहा था, नहीं जाटड़ी ने सही वर्त पश्व की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। तो दोस्तों, जाट साम्राज्य के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे महाराजा सूरजमल, जिसे जाटों का प्लेटो या अफलातून भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे नए वीडियो को सब्सक्राइब कर आप तक जल्दी पहुंचे, इसलिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप तक नए वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले राजस्थान के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।